रेंट देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा मतलब एक स्टोर को मेंटेन करने के लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जितने पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे ऑब्वियसली उतना ही चांस ज़्यादा है कि आपका रेवेन्यू जो है वो कम जनरेट होगा आसान लफ्जों में जब आप बेचेंगे कम तो आपका रेवेन्यू भी कम होने का चांस है और जब रेवेन्यू कम होगा तो ऑब्वियसली जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो भी थोड़ा कम होने का चांस है तो अब ड्रॉप शिपिंग ये कहता है कि आपको इन्वेंटरी खुद से मैनेज नहीं करने अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि अगर इन्वेंटरी खुद से मैनेज नहीं करनी तो आपके दिमाग में ये डायरेक्टली सवाल आएगा और जो कि बिल्कुल सही सवाल होगा कि जो चीज मैं बेच रहा हूं स्टोर के ऊपर अगर वो मेरे पास है ही नहीं तो मैं बेच कह रहा हूं यानी व्हाट मैंने अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन ही क्यों किया तो यहां पे एक 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 चीज हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी अभी थोड़ी ड्यूरेशन के बाद वो ये है कि आप अपना कट रख के बीच में चीज को सेल कर देंगे यानी आप एज अ अपना ऑनलाइन स्टोर एज अ एजेंट भी आप ओपन कर सकते हैं एजेंट से मुराद ये है कि आपके अपने पास कुछ नहीं है आप किसी से खरीद के चीज आगे बेच रहे हैं और अपना कट बीच में रख रहे हैं जिस तरह हमने कुछ टॉपिक पहले सर्च इंटरमीडियरीज को डिस्कस किया था यानी गूगल क्या है बेसिकली मैं एक पब्लिशर हूं यानी मैं एक कंपनी हूं मैं कोई चीज बेचना चाहता हूं मैं सर्च इंजन को पैसे देता हूं और एक कोई यूजर है जो चीज वो खरीदना चाहता है या सर्च करता है तो वो गूगल मेरी कॉन्टेंट यूजर को दिखाता है और मुझसे पैसे चार्ज कर लेता है आसान लफ्जों में तो गूगल इज वर्किंग एज अ सर्च इंटरमीडियरी ड्रॉप शिपिंग भी यही है अगर मैं इसको कंप्लीटली ड्रॉप शिप कर दूं मतलब मुझे इन्वेंटरी खुद से मैनेज नहीं करनी इन्वेंटरी खुद से मैनेज नहीं करनी मुझे इसका मतलब यह है कि मुझे स्टॉक मैनेजमेंट करने की जरूरत भी नहीं है यानी मुझे यह भी ध्यान नहीं रखना कि कितनी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं कितनी चीज़ें मैं अवेलेबल करूँ और कितनी चीज़ें मैं बेच सकता हूँ और कितनी चीज़ें मैं नहीं बेच सकता तो आसान लफ्जों में कि मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट नहीं पड़ा हुआ जो मैं मैंने बेचने के लिए अवेलेबल किए ऑन द कार्ट मैं किसी थर्ड पार्टी से चीज खरीद के आगे सेल कर रहा हूं आसान लफ्जों में ये है और मैंने फॉर एग्जांपल मैंने खरीदी फॉर एग्जांपल एक हजार रुपए की बेची मैंने फॉर एग्जांपल बारह सौ रुपए की तो दो सौ रुपए मैंने बीच में अपना कट रख लिया ये भी मतलब ड्रॉप शिपिंग को यूज करने के लिए यानी अगर हम ड्रॉप शिपिंग को यूज करें तो ये जो ऑनलाइन स्टोर को हम एज अ गूगल भी यूज कर सकते हैं गूगल मीन के यूज़र आए अपने चीज़ को सर्च करें और जो ऑनलाइन स्टोर है वो अपना कट रखे बीच में और वो चीज़ आगे जो कस्टमर है उसको सप्लाई कर दे आसान लफ्जों में ड्रॉप शिपिंग ये है कि यू डोंट नीड टू मेंटेन योर इन्वेंटरी यू डोंट नीड टू डू योर स्टॉक मैनेजमेंट जब आप इन्वेंटरी नहीं करेंगे मैनेज ऑब्वियसली तो आप सप्लाई साइड को भी मैनेज नहीं करेंगे तो दिस इज Uh, overall working of uh, uh, how drop shipping work